हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्सटबुक.com पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं दोस्तों CISF हेड कांस्टेबल के लिए तैयारी। दोस्तों किसके लिए? CISF हेड कांस्टेबल के लिए, जहां पर दोस्तों हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो सभी लोग एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे और जुड़ जाएंगे, जिससे हम इस युद्ध को शुरू कर सकें और दोस्तों विजय प्राप्त कर सकें। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सभी को यहाँ पे गुड आफ्टरनून, भर भर के गुड आफ्टरनून, नीलंबर गुड आफ्टरनून, और दोस्तों फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे जिससे सभी लोग जुड़ जाएं और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने इसी के साथ अपने स्लाइड पर। तो दोस्तों यहाँ पर मोटिवेशनल कोट अपने लिए, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, जितना आप मेहनत करोगे उतना आप सक्सेस के करीब जाते जाओगे। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करिए, आपको डेफिनेटली जो है वहां पर सफलता मिलेगी। तो आज ही से दोस्तों जिन्होंने भैया तैयारी स्मार्ट वर्क तरीके से नहीं किए तो स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप यहां पर तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्लीज एक बार थम्स अप करिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए मेरी वॉइस और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। ठीक है, तो तन्मय, कल से फिर SSC MTS के आपके जो क्लासेस होते हैं वो एक्सपेक्टेड। अभी आपके SSC में बता दूं, MTS का कल जो होगा दोस्तों एक्सपेक्टेड दोपहर को 2 से 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? दोपहर को 2 से 3 होगा, और रात को दोस्तों आपको पता है नाइट को अपना GK का जगराता होता है, जहां पे हम 11 से 12 करते हैं, तो वहां पर हम SSC MTS के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक है, थम्स अप आ चुका है ऐश्वर्या की तरफ से। तो पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, द फर्स्ट जैन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज एट, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, ये हमें बताना है। पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगिरी में या फिर वलाबी में, जल्दी से बताइए दोस्तों। हाँ, फेज 10 का दोस्तों, जो लोग कह रहे सर फेज 10 का, तो आप लोगों की फेज 10 की क्लास शाम को चलेगी दोस्तों, 6 से 7 डेली आज से ही शुरू हो जाएगी दोस्तों। आप लोगों की, जितने लोग फेज 10 की तैयारी कर रहे हैं उनकी 6 से 7 होगी। सी कह रहे हैं दिव्यांश, ओके। बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कुमार गणेश कह रहे सर पाटलिपुत्र होना चाहिए, ओके। बाकी लोग ठीक है, तो दोस्तों सभी का यहाँ पे आ रहा है कि पाटलिपुत्र होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ लोग सी कह रहे हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्या होगा दोस्तों? पाटलिपुत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए 300 BC में, कब दोस्तों? 300 BC में हुआ था यहाँ पर फर्स्ट जैन असेंबली, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैन धर्म में कितने तीर्थांकर हैं? 24 तीर्थांकर हैं। पहले कौन है दोस्तों? पहले है ऋषभ देव। कौन है दोस्तों? ऋषभ देव है, ये याद रखेंगे। दूसरे कौन है दोस्तों? अजीतनाथ। कौन दोस्तों? अजीतनाथ। ठीक है, तीसरे आप बताएंगे। ठीक है, तीसरा आप बताएंगे। चौथा अभिनंदनाथ। क्या दोस्तों? अभिनंदनाथ, ये आपसे पूछ लिया जाता, अभिनंदनाथ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं पांचवे की, कौन है दोस्तों? सभी लोग बताइए दोस्तों। 23वे कई बार पूछे जाते हैं, तो पार्श्वनाथ। क्या दोस्तों? पार्श्वनाथ। और 24वे दोस्तों महावीर, महावीर जी, जिनका नाम दोस्तों असली नाम क्या है? वर्धमान। क्या दोस्तों? वर्धमान, ये याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों पांचवे और तीसरे। तीसरे कह रहे सर संभवनाथ होना चाहिए, ओके। और पांचवे कौन होंगे दोस्तों? जल्दी से बताइए, ओके। ऐश्वर्या कह रहे सर संभवनाथ। तो दोस्तों यहाँ पे पांचवे की अगर मैं बात करूं तो कौन है दोस्तों? सुमतीनाथ। दोस्तों सुमतीनाथ, ठीक है। और एक दोस्तों महिला तीर्थांकर थी, वो थी मल्लीनाथ। कौन दोस्तों? मल्लीनाथ थी। वो कौन से नंबर की थी? 19वें नंबर की, ठीक है, 19th नंबर की। अगर मैं बात करूं दोस्तों जैन धर्म में दो सेक्ट होते हैं, कौन कौन से सेक्ट होते हैं दोस्तों? एक तो श्वेतांबर होते हैं और एक होते हैं दोस्तों दिगंबर। क्या दोस्तों? दो होते हैं, एक तो श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, सॉइल, एल्गी, प्लास्टिक या रेनफॉल। जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा। अवनीश कह रहे सर सी ऑप्शन होना चाहिए, ओके। तन्मय थैंक यू फॉर योर सपोर्ट दोस्तों। देखिए अच्छा, देखिए आप लोग जब आते हो ना, पढ़ते हो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हम सोचते हैं और अच्छा आपको प्रोवाइड करें, और इसलिए हम लोग पूछते रहते हैं कि दोस्तों अगर आपको कोई भी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं सर प्लास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक प्लास्टिक
ओके सभी ने यहाँ पे प्लास्टिक कह दिया। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्लास्टिक होगा, सॉइल नहीं होगा दोस्तों, प्लास्टिक होगा। क्योंकि देखिए बाकी सब इकोसिस्टम का पार्ट है लेकिन प्लास्टिक हमारे इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। हमारे इकोसिस्टम में दोस्तों दो होते हैं, एक तो बायोटिक होता है और दूसरे होते हैं दोस्तों नॉन बायोटिक। क्या होते हैं दोस्तों? बायोटिक और नॉन बायोटिक। दोस्तों बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है। नॉन बायोटिक दोस्तों जो कि होते हैं नॉन लिविंग। क्या दोस्तों? नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल दोस्तों चेयर हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लास्टिक के कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी प्रोडक्ट है तो वो हो जाएगा क्या? नॉन बायोटिक में। ये याद रखिएगा दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आपने सुना होगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो याद रखिएगा बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं दोस्तों जिनको अगर हम यहाँ पर फेंक देते हैं तो वो सड़ जाते हैं कुछ समय के बाद। नॉन बायोडिग्रेडेबल दोस्तों जो नहीं सड़ते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। आगे बढ़े चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के ठीक बाद हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर गदर मूवमेंट? जल्दी से बताइए। यहां पे कह रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट कह रहे हैं आलोक, सोनाली कह रहे हैं बी होना चाहिए, ओके। बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों? यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सब लोग कह रहे हैं सर स्वदेशी स्वदेशी। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हुआ कब था दोस्तों? 1905 में हुआ था। क्या दोस्तों? जल्दी से बताइए, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के ठीक बाद हुआ, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। देखिए यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया था 1905 में। क्या दोस्तों? 1905 में ये डिसीजन लिया गया था कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा, बंगाल को क्या कहेंगे, पार्टीशन कर देंगे उसके। उस समय दोस्तों कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। हालांकि दोस्तों ये डिसीजन को बाद में एन्यूल्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एन्यूल्ड कर दिया गया। एन्यूल्ड मतलब दोस्तों कैंसिल कर दिया गया 1911 के समय में। दोस्तों 1911 के समय में कैंसिल कर दिया गया। और इस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंगे। कौन दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंगे थे, ठीक है। और दोस्तों ये डिसाइड किया गया 1911 में कि दिल्ली को दोस्तों कैपिटल बनाया जाएगा। किसको दोस्तों? दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा। और 1911 में ही दोस्तों पहली बार नेशनल एंथम गाया गया। कब क्या गाया गया? नेशनल एंथम। और दोस्तों उस समय दिल्ली में दरबार लगा था जिसको कहा जाता है दिल्ली दरबार। और उसी साल में दोस्तों कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम आए थे। और उसी साल में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं दोस्तों बोल रहा हूं मैं, गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों भैया ये उसको क्या किया गया था, वहां पर स्टार्ट किया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों किसने डिजाइन किया है? जॉर्ज विटेट ने। किसने दोस्तों? जॉर्ज विटेट ने। ये याद रखिएगा, जॉर्ज विटेट, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया आलोक, जयदीप वेरी गुड, सोनाली, आर्यना वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा दोस्तों नॉन कॉपरेशन भी लिखा है, तो नॉन कॉपरेशन कब आया था? 1920 में आया था। सिविल डिसोबीडियंस दोस्तों 1930 में आया था। गदर पार्टी दोस्तों कब बनी थी? 1913 में बनी थी। क्या दोस्तों? जल्दी से बताइए, गदर पार्टी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट बताएंगे जल्दी जल्दी से। यहाँ पे अभी तक तो किसी का आंसर, हाँ बहुत बढ़िया, 1913। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? क्या वो कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, महानदी है या फिर गोदावरी नदी है? जल्दी से बताइए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी, डी ऑप्शन कह रहे हैं, ओके। बाकी लोग क्या कहते हैं? क्या डी करेक्ट आंसर होगा? तो चलिए सभी ने यहाँ पे कह दिया सर डी 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 डी, वेरी गुड। ममता, हिमांशु, संगम, जयदीप, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? त्रिंबकेश्वर से। कहाँ से दोस्तों? त्रिंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। त्रिंबकेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? नासिक में है, ठीक है। नासिक कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में है। दोस्तों गोदावरी को ही कहा जाता है यहाँ पे ओल्ड गंगा या फिर वृद्ध गंगा। क्या कहते हैं दोस्तों? ओल्ड गंगा बोलते हैं या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है इसको। दोस्तों साउथ का गंगा कहते हैं, साउथ गंगा, दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। दोस्तों इसकी लेंथ है 1425 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से। कहाँ से दोस्तों? ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है केरला में। कहाँ पे दोस्तों? केरला में। कावेरी नदी अगर बात की जाए दोस्तों, सॉरी कृष्णा नदी निकलती है, सॉरी जहां कृष्णा नदी की बात की गई तो यह महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर दोस्तों कहां पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। कावेरी नदी निकलती है दोस्तों ब्रह्मगिरी से। किससे?
ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी निकलती है, ठीक है। महानदी दोस्तों निकलती है मैकाल रेंज से, कहां से? मैकाल रेंज से, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बिंदास, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरीन नेशनल पार्क। दोस्तों यहां पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, क्या वो भीतरकनिका है, सुंदरबन है, गहीरमाथा है या फिर गल्फ ऑफ मन्नार है। जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर कौन सा है। आलोक कह रहे सर डी होना चाहिए, ओके। बाकी लोग क्या कहते हैं? तो सब लोग के डी डी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, कंफ्यूज है कुछ लोग, कोई बात नहीं, जितने लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे भीतरकनिका कहाँ पर है? भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है क्या दोस्तों? जल्दी से बताइए भीतरकनिका, ठीक है। सुंदरबन कहाँ पर है दोस्तों? ये तो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आपको दोस्तों सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं पर मिलेंगे, क्या मिलेंगे? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। सुंदरबन दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा है, क्या दोस्तों? सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे बड़ा वेटलैंड भी है, ये भी याद रखिएगा, वेटलैंड भी सबसे बड़ा है, ठीक है। गहीरमाथा कहाँ पर है दोस्तों? ये भी उड़ीसा में है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। गल्फ ऑफ मन्नार को दोस्तों पाक स्टेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पाक स्टेट भी कहते हैं, क्या दोस्तों? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, फटाफट बताइए। यस, गहीरमाथा बीच उड़ीसा, वेरी गुड आलोक, बहुत बढ़िया। संगम, सम्राट, चांदनी, बिंदास, सोनाली, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस बिलोंग्स टू पंजाब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है पंजाब से संबंधित है? गिद्धा, अकीरी, मोनियो या लूर डांस। जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा है। गिद्धा कह रहे हैं, ओके। बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे? क्या गिद्धा करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, गिद्धा, गिद्धा, बहुत बढ़िया। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? गिद्धा करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? गिद्धा, जितने लोगों ने कहा है करेक्ट आंसर है। दोस्तों भांगड़ा डांस भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? भांगड़ा डांस, ठीक है। अगर मैं बात करूं अकीरी डांस, दोस्तों अकीरी डांस कहाँ का है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। लूर डांस तो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, एमटीएस में भी, तो ये तो हरियाणा का है। कहाँ का दोस्तों? हरियाणा का है। सभी को बताना है दोस्तों अकीरी जो डांस है वो कौन से राज्य का है, सभी लोग बताएंगे, फटाफट बताइए दोस्तों। हाँ बिल्कुल, हाँ हरियाणा, लूर डांस हरियाणा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी अकीरी डांस का, हाँ दिव्यांश ने करेक्ट आंसर दिया है अकीरी डांस का, बिल्कुल। दोस्तों अकीरी डांस जो है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, वेरी गुड। यहां पर किसने दिया था आंसर? हाँ ममता ने भी अभी करेक्ट आंसर दिया है, सपना, वेरी गुड। दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश का है, किसका दोस्तों? ये मध्य प्रदेश का है मोन्यो दोस्तों एशो जो है ये नागालैंड का है, किसका दोस्तों? नागालैंड का है मोन्यो एशो, ठीक है, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों होजागिरी डांस भी याद रखिएगा, होजागिरी ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमटीएस में, आपके हो सकता है सीआईएसएफ कांस्टेबल में भी पूछा जाए, ठीक है। तो होजागिरी दोस्तों त्रिपुरा का है, किसका दोस्तों? त्रिपुरा का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, द डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे पोतगा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? छानुदारो, लोथल, कालीबंगन या फिर बनवाली, फटाफट बताएंगे। यहाँ पे कह रहे सर लोथल होना चाहिए, ओके। बाकी लोग क्या कहते हैं? चलिए लोथल, लोथल, बहुत बढ़िया दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पे लोथल आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है लोथल, ठीक है। लोथल देखो अगर दोस्तों प्रेजेंट, अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये गुजरात में दोस्तों, कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में अगर हम देखते हैं प्रेजेंट लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। दोस्तों इंडस सिविलाइजेशन जो ये वर्ड है ना दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन की मैं बात करूं तो ये जो टर्म था ये किसके द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जॉन मार्शल के द्वारा, ठीक है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो पूरब में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पूरब में यूपी तक फैला था, कहां तक? यूपी में, कहां पर? आलमगीरपुर। कहां दोस्तों? आलमगीरपुर तक, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ ये दोस्तों जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, कहां तक दोस्तों? मांडा तक। कहां पे? मांडा तक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दक्षिण की दोस्तों तो ये कहां तक फैला था? महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में दोस्तों दैमाबाद, कहां पे? दैमाबाद तक फैला हुआ था। अगर मैं बात करूं पश्चिम की तो दोस्तों पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? सुतकेंदोर। कहां दोस्तों? सुतकेंदोर तक, ठीक है, याद रखिए, ये पाकिस्तान वाले हिस्से में आ जाता है। आगे बढ़, अच्छा दोस्तों हाँ एक चीज और क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा किसके मटेरियल मिले थे, तो दोस्तों स्टेटाइट के मिले थे, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जूट और कॉटन कहाँ पे मिला था दोस्तों? तो मेहरगढ़ में मिला था। कहाँ पे दोस्तों? मेहरगढ़ में मिला था। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा। और दोस्तों
अपने यहाँ का सबसे बड़ा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है वो कौन सा दोस्तों? भारत में राखीगढ़ी है, क्या जल्दी से बताइए, राखीगढ़ी। और दोस्तों ये राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में है। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। सम्राट, चांदनी, आलोक, बिंदास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, डॉक्टर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन 1930 फॉर हिज वर्क ऑन। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है डॉक्टर सीवी रमन जो है उनके कार्यों के लिए 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो दोस्तों किसके लिए था? रेडिएशन ऑंकोलॉजी, या फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? जल्दी से बताइए यहाँ पे किसके किया था उन्होंने। यहाँ पे कह रहे सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सभी का आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर सीवी रमन, दोस्तों ये किससे रिलेटेड भैया? फिजिक्स के लिए इनको मिला था। किसके लिए मिला था? फिजिक्स के लिए मिला था। दोस्तों इनको याद रखते हुए हम लोग कब मनाते हैं? 28 फेब को हम लोग मनाते हैं साइंस डे। क्या मनाते हैं दोस्तों? साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, साइंस डे। और दोस्तों इन्होंने ही रमन इफेक्ट दिया था ना दोस्तों, रमन इफेक्ट याद रखिएगा, इन्होंने ही रमन इफेक्ट दिया था। दोस्तों आगे बढ़े अगले। अच्छा दोस्तों ऑन्कोलॉजी होती क्या है? यहाँ पे ऑन्कोलॉजी टर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसर। क्या दोस्तों? स्टडी ऑफ कैंसर को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हु वॉज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड? जल्दी से बताइए दोस्तों। यस राजा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चांदनी कह रहे सर सी होना चाहिए। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं कुछ लोग, बाकी लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सभी का आ गया बिल्कुल सही। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाए। अच्छा दोस्तों चेम्सफोर्ड जो थे वो किस समय में थे? 1919 के समय में थे, क्योंकि आपको पता है 1919 में क्या आया था? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। क्या आया था? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा दोस्तों कई बार पूछा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को। किसको दोस्तों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो याद रखिएगा लॉर्ड कार्नवालिस को। किसको दोस्तों? लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा वॉइस रॉय था जिसको भारत में एसेसिनेट मतलब मार दिया गया था, तो दोस्तों एसेसिनेट किसका हुआ था? जल्दी से बताइए, एसेसिनेट मायो का। दोस्तों अपन ने कैसे याद किया था दोस्तों? एसेसिनेट मतलब होता है मारो, तो मारो मारो मायो, मायो मारो मायो, ठीक है, मतलब राइम बन रहा है मारो मायो। ठीक है, तो इसका मतलब है मायो को मारा गया था, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए वेरी गुड दिव्यांश, सम्राट, राजा, छाया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हु हैज बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021? दोस्तों रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, जॉर्ज पी स्मिथ एंड सर जॉर्ज, या फिर एरिक बेर्सिक स्टेफन? जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट से बताना है सबको, जल्दी से बताइए। यहाँ पे कह सर ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ए ऑप्शन करें। अब देखिए नोबेल प्राइज की बात की गई है दोस्तों, नोबेल प्राइज दोस्तों कौन से देश में दिया जाता है? ये आपके स्वीडन और नॉर्वे में। किसमें दोस्तों? स्वीडन एंड नॉर्वे। दोस्तों अगर बात की जाए 1901 में, भैया आपको पता है इसको पहली बार किया गया किसने? भैया अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। किस पे दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल ने के नाम पर ये दोस्तों पुरस्कार है। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का खोज किया था। किसका दोस्तों? डायनामाइट का खोज किया था। कितने फील्ड में मिलता है दोस्तों? 6 फील्ड में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। सबसे कम उम्र में पाने वाले अगर कोई है तो वो है मलाला यूसुफजई। कौन दोस्तों? मलाला यूसुफजई को बहुत कम उम्र में यहाँ पर क्या किया गया है? नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2014 में, ये याद रखिएगा। इनके साथ दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जी को भी दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी जी को। कैलाश सत्यार्थी जी ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन, क्या दोस्तों? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया, जिसके लिए दोस्तों इनको दिया गया यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज। मलाला यूसुफजई ने दोस्तों एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के लिए फाइट की थी, इसलिए इनको दिया गया यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज। दोस्तों मलाला यूसुफजई की एक किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड, क्या दोस्तों? वी आर डिस्प्लेस्ड, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
बहुत बढ़िया सम्राट जी, बिंदास जी, वेरी गुड दिव्यांश। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बम का जनक किसे माना जाता है? थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, जे रॉबर्ट ओपेनहेमर। जल्दी से बताइए दोस्तों, एटॉमिक बॉम्ब के फादर किसे कहा जाता है? कई लोग कह रहे हैं सर डी ऑप्शन होना चाहिए। ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी से यहां पर, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, जितने लोग कह रहे हैं दोस्तों उनका करेक्ट आंसर है। दोस्तों फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब किसे कहा जाता है? जे रॉबर्ट। अगर दोस्तों यहां पे पूछ लिया जाए फादर ऑफ, अगर देखिए कई किसी भी फील्ड से आपसे जनक पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से पूछ लेगा, ठीक है, तो माइकल फैराडे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? माइकल फैराडे बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे कंप्यूटर के फादर पूछ लेगा तो आपको चार्ल्स बेबेज बोलना पड़ेगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाएगा इकोनॉमिक से तो एडम स्मिथ बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? एडम स्मिथ। तो दोस्तों आपसे फादर मतलब जनक पूछे जा सकते हैं अलग अलग फील्ड के, ठीक है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन ने दोस्तों बल्ब की यहाँ पे क्या की थी? आविष्कार किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों रिलेटिविटी थ्योरी दी है। क्या दी है? रिलेटिविटी थ्योरी दी है, ठीक है। अब आपको बताना है निकोला टेस्ला ने क्या दिया है, सभी लोग बताएंगे। इन्हीं के नाम पर दोस्तों आपको पता है यहाँ पे एलन मस्क की जो कंपनी टेस्ला है इन्हीं के नाम पर है, मतलब इन्हीं से प्रेरित होकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, Who among the following was popular as पंजाब केसरी? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, युवराज सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्या सर? लाला लाजपत राय होने चाहिए, सभी लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होंगे दोस्तों? लाला लाजपत राय होंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, और दोस्तों केसरी न्यूज़पेपर जो थी वो किसने की थी? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर लाला लाजपत राय आंसर कर देते हैं। दोस्तों केसरी न्यूज़पेपर बाल गंगाधर द्वारा की गई थी, दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। दोस्तों याद रखेंगे, और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा जाता था निकनेम के नाम से? लोकमान्य। दोस्तों आपने सुना होगा लोकमान्य तिलक, है ना। और दोस्तों यहाँ पे केसरी कौन सी लैंग्वेज में थी? मराठी लैंग्वेज में थी, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़े, और दोस्तों लाला लाजपत राय को जहां से निकनेम के नाम से पंजाब केसरी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, मार्स, वीनस और मरकरी। जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहे हैं अवनीश, मनीष, बिंदास। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जुपिटर। क्या होगा दोस्तों? ये दोस्तों एक गैस बॉल है। क्या है दोस्तों? ये गैस बॉल है, ठीक है। दोस्तों इसकी अगर उपग्रह की बात करूं तो 79 इसके उपग्रह हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है दोस्तों वो है गैनीमिड। क्या है दोस्तों? गैनीमिड है, ये याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो ये सूरज की तरफ से अगर हम चले तो ये फिफ्थ प्लैनेट है। कैसा है दोस्तों? फिफ्थ प्लैनेट है, ठीक है, याद रखिएगा, फिफ्थ प्लैनेट है, ठीक है। और दोस्तों मार्स की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा है? हॉटेस्ट है। क्या दोस्तों? जल्दी से बताइए, हॉटेस्ट है क्या? नहीं, इसको हम बोलते हैं रेड प्लेनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट, याद रखिएगा मार्स को। मार्स के दोस्तों दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डेमोस। क्या दोस्तों? फोबोस और डेमोस। वीनस को दोस्तों हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट। दोस्तों इसके उपग्रह जीरो है, एक भी उपग्रह नहीं है इसका। मरकरी को दोस्तों, मरकरी का भी कहते हैं दोस्तों उपग्रह जीरो है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहला प्लेनेट है दोस्तों अगर सन की तरफ से देखें मरकरी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आप सामने, विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वुलर लेक, चिल्का लेक, लूनार लेक या फिर पुष्कर लेक। जल्दी से बताइए दोस्तों। यस कुमार गणेश, बिल्कुल, इसको इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार भी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वुलर लेक दोस्तों फ्रेश वाटर लेक है। कैसा है दोस्तों? ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। दोस्तों अगर आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ा अगर बोला जाए तो गोविंद सागर लेक, ठीक है। क्या है दोस्तों? गोविंद सागर लेक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा लोनार लेक दोस्तों न्यूज में था, कहा जाता था इसका पानी पिंक में कन्वर्ट हो गया था इसलिए ये न्यूज में भी था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क टेंपल इन ओडिशा वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों आपको बताना है ओडिशा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनवाया गया था? अनंत वर्मन, नरसिम्हा देव, अंगा भीमा देव या फिर भानु देव। यहाँ पे कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए, नरसिम्हादेव, नरसिम्हादेव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है नरसिम्हादेव, ठीक है। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों इसको, सन टेंपल। क्या दोस्तों? सन टेंपल के नाम से जाना जाता है, सन दोस्तों सूर्य भगवान को, ये किसको दोस्तों? सूर्य भगवान को समर्पित है, ठीक है। नरसिम्हादेव ने बनवाया था इसको, ठीक है। और ये याद रखिएगा कहाँ पर है? उड़ीसा में,
आगे बढ़े, और इसी को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भगवद गीता वॉज सेड टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय, भगवद गीता को डैश द्वारा संकलित किया गया है, शंकराचार्य, महादेवाचार्य, वेदव्यास या फिर वल्लभाचार्य? जल्दी से बताइए किसके द्वारा यहाँ पे कंपाइल किया गया है। यहाँ पे कह रहे सर वेद व्यास होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहीं ऐसा ना हो जाए गलत कर दो आप जल्दबाजी में। तो यहाँ पे सब कह रहे सर वेद व्यास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे वेद व्यास करेक्ट आंसर क्या होंगे? वेद व्यास, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ने क्या लिखी है दोस्तों? यहाँ पे रामायण लिखी है। क्या दोस्तों? रामायण, ठीक है। अगर दोस्तों बात की जाए रामचरितमानस, तो वो किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। किसने दोस्तों? तुलसीदास, रामचरितमानस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़े। अच्छा दोस्तों, मुद्राक्षरा किसने लिखी है दोस्तों? मुद्राक्षरा वो लिखी है विशाखा दत्त ने। किसने दोस्तों? विशाखा दत्त ने लिखी है। दोस्तों हर्षचरिता किसने लिखी है? हर्षचरिता वो लिखी है बाणभट्ट ने। किसने दोस्तों? बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, विच सिटी इज द सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सा शहर है? क्या वो कुल्लू है, मनाली है, मांडी है या फिर धर्मशाला है? जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड आलोक, बाणभट्ट ने हर्षचरिता कदंबरी दोनों लिखी है। यहाँ पे 444 कह रहे हैं सभी लोग, तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा धर्मशाला। क्या होगा दोस्तों? धर्मशाला, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है, एन आर नारायण मूर्ति है, रतन टाटा है या फिर गुरचरण दास है? जल्दी से बताइए यहाँ पे अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसने लिखी है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर कह रहे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बी बी बी, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, एन आर नारायण, ठीक है। दोस्तों शशि थरूर की एक फेमस किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पूछा भी गया था एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा। दोस्तों इन्होंने ही किताब एक लिखी है वाई आई एम हिंदू, ठीक है, वाई आई एम हिंदू, ये भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी भैया जो रोग है वो विषाणु के थ्रू होती है? मलेरिया, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड या फिर कॉलरा? जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सी होती है वायरस की वजह से। यहां पे कह रहे सर होना चाहिए मलेरिया, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर कोल्ड, तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर होगा यहां पे कॉमन कोल्ड। किसके दोस्तों? कॉमन कोल्ड यहां पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये किस वायरस से होती है? राइनो वायरस से। किससे होती है दोस्तों? राइनो वायरस से होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्मॉल पॉक्स जो है वो कौन से वायरस से होता है, तो दोस्तों वो वेरियोला से होता है। किससे? वेरियोला से। अगर मैं बात करूं चिकन पॉक्स, दोस्तों चिकन पॉक्स कौन से वायरस से होता है, तो आपको बोलना है वेरिसेला। किससे दोस्तों? वेरिसेला। अगर मैं आपसे पूछूं एड्स किससे होता है दोस्तों, तो आपको बोलना है एचआईवी वायरस। किससे दोस्तों? एचआईवी वायरस। पोलियो पूछूं पोलियो कौन से वायरस से होता है, तो दोस्तों वो पोलियो वायरस से ही होता है। किससे दोस्तों? पोलियो वायरस से, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडर द प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट 1833 हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन बस, थॉमस रो या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? यहाँ पे कह रहे सर लॉर्ड विलियम बेंटिक होना चाहिए। ओके बिंदा, सदाब, मनीष, छाया, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा दोस्तों डलहौजी बहुत फेमस है, इनका कार्यकाल कितना था? 1848 से 1856। क्यों फेमस है दोस्तों? इनके समय में विधवा पुनर्विवाह आया था। क्या दोस्तों? विडो रिमैरिज आया था। बहुत बड़े बड़े काम हुए थे इनके समय में 1856 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें रेलवे की शुरुआत दोस्तों इन्हीं के समय में हुई थी 1853 में। कब दोस्तों? 1853 में बॉम्बे टू थाने ट्रेन चली थी दोस्तों, 34 किलोमीटर दूरी है इसकी, ये याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और इनके समय में दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से भी आई थी, ये भी याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हु वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन, दोस्तों वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की है? रॉबर्ट हुक ने की है, विलियम हार्वे ने की है, ब्राउन ने की है या फिर हाल्डेन ने की है? जल्दी से बताइए। यहाँ पे कह रहे सर हार्वे होना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं, ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फटाफट बताएंगे, तो सभी लोग हार्वे हार्वे हार्वे, तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पे हार्वे हो जाएंगे। इन्हीं को दोस्तों फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों सेल की खोज की थी 1665 में, ठीक है। ब्राउन ने दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, भैया यहाँ पे सेल में न्यूक्लियस होता है, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, ये पूछा गया है? टाइटेनियम, सिलिकॉन, मरकरी और सिल्वर? जल्दी से बताइए कौन सा मेटल नहीं है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से।
और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर करना है और लाइक भी करते हुए चलते रहना है। सिलिकॉन सिलिकॉन कह रहे हैं, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मरकरी दोस्तों एक ऐसा मेटल है, ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों, ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन एग्जाम में दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी पूछ लिए जाते हैं। देखिए मेटल वैसे होते हैं सॉलिड लेकिन ये लिक्विड में है दोस्तों। ऐसे ही एक नॉन मेटल है जो कि दोस्तों नॉन मेटल आपको दोस्तों कभी लिक्विड जल्दी नहीं मिलेंगे लेकिन एक लिक्विड में है, वो है ब्रोमीन। क्या दोस्तों? ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों, सिल्वर जो है इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है, चाहे हीट कंडक्टिविटी की बात करो चाहे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, ठीक है, इसकी बहुत अच्छी है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय, दोस्तों मोहनजोदाड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? आर डी बनर्जी के द्वारा, दयाराम सहनी के द्वारा, जॉर्ज जुले या फिर एवी अलेक्जेंडर? जल्दी से बताओ। ठीक है यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहे हैं, ओके आर डी बनर्जी, कुछ लोग दयाराम साहनी भी कह रहे हैं। तो दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका भैया करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों दयाराम साहनी जी ने किसकी खोज की थी? इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। कब? हड़प्पा की। कब की थी? 1921 में की थी। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा में ही ग्रेनरीज पाई गई थी दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी भैया ग्रेनरीज, जहाँ पे ग्रेनरी रखी जाती है वो पाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आर डी बनर्जी ने 1922 में दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ठीक है, और दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे है? ये इंडस नदी के किनारे है मोहनजोदाड़ो। यहीं पे दोस्तों ग्रेट बाथ मिला था। क्या मिला था दोस्तों? ग्रेट बाथ मिला था। और मोहनजोदाड़ो कहा जाता है माउंट ऑफ डेथ। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंग्लिश में माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, मृत के टीले हिंदी में बोला जाता है, मृत के टीले। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द खालसा पंथ? दोस्तों खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी, गुरु अर्जन देव, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। खालसा यहाँ पे, ठीक है ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, अवनीश, त्रुत, बिंदास, सभी के आगे सोनू, नेहक, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले जो थे ये दोस्तों कौन, पहले फर्स्ट गुरु ये थे, लास्ट गुरु अगर हम बात करें मतलब टेंथ गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। कैसे याद किया था दोस्तों? ट्रिक याद कर लीजिए, ना अंग अमर और राम, दोस्तों ना अंग अमर राम, ठीक है, और तीन बार हर 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 तेग गोविंद। दोस्तों ये ट्रिक है जिससे आपको 10 गुरु याद हो जाएंगे। ठीक है, नानक जी, अंगद जी, अमरदास, रामदास, अर्जन देव, हर गोविंद, हर राय, हर कृष्णा, तेग बहादुर और गोविंद सिंह, 10 गुरु हो गए दोस्तों। 10 गुरु के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, कौन किस नंबर पर है ये पूछ लिया जाता है सीक्वेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद, दोस्तों ग्रैंड स्लैम शब्द किससे साथ जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से, बॉक्सिंग से, खो खो से या फिर टेनिस से? सभी लोग बताएंगे, फटाफट बताएंगे। यहाँ पे कह रहे सर डी ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन सभी क्या आ रहे हैं। चले तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर बहुत सारे कप होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कप होता है और या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हम कहते हैं, ठीक है, यूएसए ओपन कहते हैं, फ्रेंच ओपन कहते हैं, विंबलडन कहते हैं। ठीक है, फुटबॉल से दोस्तों आपको पता है संतोष ट्रॉफी बहुत फेमस है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द रामसर वेटलैंड साइट नेम द्योपर बील? दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में द्योपर बील नामक रामसर वेटलैंड साइट है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर छत्तीसगढ़? जल्दी से बताइए। यहाँ पे कह रहे हैं सर असम होना चाहिए, ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों? क्या यहाँ पे असम करेक्ट आंसर होगा या फिर नहीं? सभी ने असम असम कह दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? असम होगा। दोस्तों कौन से जिले में है दोस्तों ये कामरूप, किस में दोस्तों? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। किस में दोस्तों? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों, असम की कैपिटल क्या है दोस्तों? दिसपुर है। गुवाहाटी मत बोलिएगा दोस्तों, गुवाहाटी में दोस्तों इसका क्या है? हाई कोर्ट। दोस्तों यहाँ पे जुडिक्शन है, क्या है दोस्तों? हाई कोर्ट है, ये याद रखेंगे। असम का ही दोस्तों एक फेमस डांस है सतरिया, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहीं का दोस्तों एक त्योहार है बिहू, वो भी पूछा जाता है। यहीं पर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा और मानस नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे वेटलैंड। एक्चुअली दोस्तों रामसर जो है ये रामसर में डिसाइड किया गया था। रामसर दोस्तों एक ईरान में क्या है दोस्तों? एक सिटी है, जहां पे ये डिसाइड हुआ कि हमें वेटलैंड को बचाना चाहिए। तो दोस्तों द्योपर बील जो है वेटलैंड, वो आसाम में आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी अगर हम भारत में देखें वेटलैंड सबसे बड़ी कौन सी है, तो सुंदरबन डेल्टा है। कौन दोस्तों? सुंदरबन जो है ये सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे? वेटलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? दोस्तों यहाँ पे इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, एडवर्ड जेनर या फिर लैंडस्टीनर? जल्दी से बताइए दोस्तों। यहाँ पे
यस बिल्कुल कुमार गणेश, यहाँ पर अभी तक 49 अपने पास वो है रामसर साइट्स हैं, ठीक है। बाकी लोग बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से। कुछ लोग कह रहे सर ऑप्शन नंबर 3, कुछ लोग कह रहे ऑप्शन नंबर, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर दोस्तों जितने लोग एडवर्ड जेनर कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की खोज की थी, किसकी दोस्तों, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की थी, ये याद रखिएगा आपसे पूछ लिया जाता है। लुईस पाश्चर दोस्तों पाश्चराइजेशन दिया था, क्या दोस्तों, पाश्चराइजेशन दिया था। कार्ल लैंडस्टीनर दोस्तों इन्होंने किसकी खोज की थी, ब्लड की थी, किसी दोस्तों ब्लड ग्रुप की थी, ब्लड की नहीं ब्लड ग्रुप की, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए सभी ने, हाँ भैया सबके करेक्ट आंसर है, हाँ इम्यूनोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा दोस्तों, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, एम्पियर है, वोल्ट है, कूलम है या फिर वाट है, जल्दी से बताइए। कंफ्यूजन था क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, देखिए जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है छाया जी कि भैया कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, लेकिन बार बार रिवीजन जब आप करते हो तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, इसलिए दोस्तों एक्चुअली हमारा जो मकसद था रात को 11 से 12 क्लास करने का यही था कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन देख लो, रिवाइज होता रहे आपका, अगर आप पढ़ रहे हो तो रिवाइज होता रहे। वॉट वॉट कह रहे दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा वॉट, तो ठीक है। एम्पियर दोस्तों ये करंट की यूनिट होती है, किसकी दोस्तों, करंट की यूनिट होती है, ठीक है। वोल्ट दोस्तों वोल्टेज की यूनिट होती है, किसकी दोस्तों, वोल्टेज की होती है। कूलम दोस्तों चार्ज की यूनिट होती है, किसकी, चार्ज की। दोस्तों V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, क्या कहते हैं दोस्तों, ओम्स लॉ फॉर्मूला कहते हैं। वोल्टेज ये करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है दोस्तों, रेजिस्टर रेजिस्टिविटी हो गया ये रो, एल हो गया लेंथ और ए हो गया यहाँ पे करंट, ठीक है, सॉरी एरिया, यहाँ पे ए मतलब एरिया, ठीक है, लेंथ और एरिया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्मड इन, दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन डैश में किया गया था, 1969, 1962, 1977 या फिर 1975, जल्दी से बताएंगे। चांदनी कह रहे 1969, कुमार गणेश, आलोक, अवनीश, क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे जितने लोग 1969 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, बेंगलुरु में मिलेगा, कहाँ पे दोस्तों, बेंगलुरु में मिलेगा। और दोस्तों अभी इसके हेड कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए, क्या हेड एस सोमनाथ जी हैं, क्या दोस्तों फटाफट बताएंगे, एस सोमनाथ जी हैं। और दोस्तों डीआरडीओ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डीआरडीओ को कब किया गया था फॉर्म दोस्तों, वो किया गया था 1958 में, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और इसके दोस्तों हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी, कौन दोस्तों, जी सतीश रेड्डी है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ऐश्वर्या, गंगाधर, दिव्यांश, चांदनी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन, दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन में क्या किया गया था, सॉरी कब किया गया था दोस्तों, 1947, 1948, 1951 या फिर 1950, जल्दी से बताइए दोस्तों कब किया गया था। 51 कह रहे हैं चांदनी, ओके, कुमार गणेश, आलोक, आरबी, ठीक है, दिव्यांश। तो दोस्तों यहाँ पे जितने लोग 1951 कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये इसके संशोधन के तहत क्या आया था, शेड्यूल अपना नोवा आया था, नोवा किससे दोस्तों, लैंड रिफॉर्म से, किससे दोस्तों, लैंड रिफॉर्म से, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े चलिए फटाफट से, और दोस्तों फटाफट से लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और शेयर कर देंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों अमेंडमेंट कहां से लिया गया है, ये प्रावधान दोस्तों ये याद रखिएगा, ये अफ्रीका से लिया गया है, कहां से, अफ्रीका से। और दोस्तों किस आर्टिकल के तहत होता है अमेंडमेंट, 368 आर्टिकल के तहत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अवर बायोस्फीयर, दोस्तों हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे जीव मंडल का एक जैविक घटक है, क्या वो सनलाइट है, एयर है, माइक्रोब्स है या फिर सॉइल है। दोस्तों यहाँ पे दो मैंने आपको बताया, एक होता है बायोटिक, होता है अबायोटिक, यहां पे पूछा गया है बायोटिक, जल्दी से बताइए फटाफट से बताएंगे। यस आदित्य जी आपको भी नमस्ते, यहां पे कह रहे सर माइक्रोब्स होना चाहिए, सी ऑप्शन कह रहे हैं, सी ऑप्शन तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही दोस्तों। इनको दोस्तों आपने डीकंपोजर भी सुना होगा दोस्तों, डीकंपोजर, ठीक है, डीकंपोजर क्या करते हैं दोस्तों, डीकंपोज करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है उनको डीकंपोज करने के लिए कौन होते हैं दोस्तों, डीकंपोजर होते हैं, तभी वो डिग्रेड हो पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, दोस्तों डैश मानव शरीर की एक सबसे छोटी ग्रंथि है, पेट्रोइड, सॉरी पेरोटिड ग्लैंड, एप्रोक्रिन, पीनियल या फिर एबनर्स, जल्दी से बताइए कौन सा सबसे छोटा ग्लैंड है दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं बिंदास सी होना चाहिए, संगम सी के साथ, आरआरबी ग्रुप डी कह रहे हैं सर सी होना चाहिए,
गौरी, वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पीनियल ग्लैंड। अगर दोस्तों सबसे बड़ा ग्लैंड पूछ लेगा, लार्जेस्ट ग्लैंड, तब आपको बोलना है दोस्तों लीवर। क्या बोलना है? लीवर। अगर आपसे पूछ लेगा इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड, तब क्या बोलेंगे? एड्रेनलिन। क्या दोस्तों? एड्रेनलिन। मास्टर ग्लैंड पूछ लेगा दोस्तों, आपको बोलना है पिट्यूटरी। क्या दोस्तों? पिट्यूटरी। यह आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों, अगर पूछ लेगा कौन सा ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, तब आपको बोलना है पैंक्रियाज। ठीक है, क्या है दोस्तों? पैंक्रियाज जो है वो एंडो और एक्सो, मतलब डक्ट भी है और डक्टलेस भी है। ठीक है, एंडो और एक्सो में डिफरेंस यही होता है ना, डक्ट और डक्टलेस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद अभी आपका एनालिसिस भी होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग को बताना है, गलत कोई नहीं बताएगा। 1870, 1942, 1920 और 1921 जल्दी से बताइए। 20 20 20 20 कह रहे हैं, तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 1920 यहां पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आपने देखा होगा 1905 दोस्तों बंगाल पार्टीशन, ठीक है, 1906 क्या हुआ था दोस्तों यहां पे, 1907 में सूरत स्प्लिट। क्या दोस्तों? 1907 में सूरत स्प्लिट, 1916 में भैया वापस से मिल गए, ठीक है, 1920 में नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, 1922 की बात करूं तो चौरी चौरा, ठीक है, फिर 1925 की बात करूं दोस्तों काकोरी कांड, 1930 की बात करूं दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, 1927-28 की बात की जाए तो साइमन कमीशन, याद है ना आपको, और दोस्तों 1942 की जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों सारे दोस्तों ईयर याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ओ हो यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर दोस्तों आज हमने किसके लिए दोस्तों CISF हेड कांस्टेबल के लिए मिक्स क्वेश्चन करने की कोशिश की है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो आपकी दोपहर में क्लास होगी दोस्तों 2 से 3 बजे, वो आपकी SSC MTS एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की होगी, क्योंकि बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की यहां पर जरूर लाइए। और इसको दोस्तों हमने शिफ्ट किया है, पहले SSC MTS जो एक्सपेक्टेड होते थे वो शाम को 6 बजे होती थी, अब दोस्तों वो आपकी होगी 2 से 3 बजे शाम में। दोस्तों SSC यहाँ पे हम लोग ने लिखा है सिलेक्शन फेज 10, क्योंकि दोस्तों आप लोग कह रहे थे सिलेक्शन फेज 10 जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, तो SSC सिलेक्शन फेज का टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ये दोस्तों डेली क्लास चलेगी 6 से 7 बजे, और एक्सपेक्टेड आपके जो SSC MTS के होंगे वो 2 से 3 बजे और 11 से 12 बजे दोस्तों जो हम लोग करते हैं, जो कि SSC और रेलवे दोनों के लिए मिक्स क्लास होती है। हालांकि अभी हम उसको किस बेसिस पे लेके चल रहे हैं? SSC MTS के बेसिस पे। आगे जैसे ही SSC MTS के ओवर हो जाएंगे वो मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे रेलवे के भी और जितने भी SSC एग्जाम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। और दोस्तों अभी आपके लिए क्या चल रहा है दोस्तों? ऑफर चल रहा है क्या यहाँ पे? फ्लैश सेल, जो कि आपको 499 में दोस्तों मिल रहा था यहाँ पे 12 महीने का पास, अब मिल रहा है वो दोस्तों 375 रुपए में, मतलब 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। 25% का डिस्काउंट तभी आप ले पाओगे दोस्तों जब आप कूपन कोड यूज कर रहे होगे गेम पास। क्या दोस्तों? GAMPASS। अब इसको कैसे अवेल करना है? सिंपली आप यूट्यूब पे दोस्तों ये जो वीडियो है इसके नीचे लिंक मिलेगी टीचर लिंक, उसको ओपन करेंगे तो वहां पर सारी डिटेल मिल जाएगी। वहां पर आप कूपन कोड यूज करिएगा गेम पास, तो आपको दोस्तों 375 में 12 महीने का पास मिल जाएगा, मतलब 125 रुपए तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे करेंगे समाप्त। अपना ख्याल रखिएगा, एनालिसिस में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जहां पर SSC MTS का एनालिसिस अभी करेंगे यहां पे नीतीश सर और नेहा मैम। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए विदा, मिलेंगे शाम को 6 से 7। जय हिंद, जय भारत।